in the presence of the demigod controlling Elysian, Bhima, the great fighter with a club, the great bowman Arjuna, might giver, and above all, the Lord, the great well-wisher of the Pandavas. So this is very, very important verse. I think maximum devotees learn English. Joyous Pukku Nige Dikhai De Rahe. Joyous Pukku Govind Pukku is present in the class. So तो भीष्म पितामह बता रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को यत्र ध्वजा वदा पानी मृगोदर कृष्णोस्ति गांडीवं चापं तुरित कृष्णोस् के काल के प्रभाव भूत और ये काल के जो प्रभाव है इरिवर्सिबल इट कैन नॉट बी काउंटरएक्टेड इसको 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 बंद करना अवॉइड करना ही है तो नहीं तो नहीं तो जत्र धर्म सुतो राजा प्राणी प्रिकोदरा तो जिधर धर्म के पुत्र गदा पानी प्रिकोदरा जो गदाधारी प्रिकोदर भीम कृष्ण चापम और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन जिधर उपस्थित हैं और सुरीद कृष्ण भगवान श्री कृष्ण जिनके सुरीद हैं उनके सामने कैसे सुरीद कृष्ण स्ततो विपद तो काल के प्रभाव युधिष्ठिर महाराज को के जरूर एक काल के प्रभाव होगा तो नहीं तो इतने महान व्यक्ति आप सब लोग हैं और भगवान कृष्ण स्वयं है आप सबके साथ तो कैसे विपद आ सकते तो तो काल इतना शक्तिशाली है बड़े से बड़े व्यक्ति को फल भुगतना पड़ता है बड़े से बड़े व्यक्ति को भी उसका दुख भुगतना पड़ता है तो साधारण मनुष्य कहना समय के प्रभाव से कर्म के प्रभाव से काल के प्रभाव से कर्म के फल के प्रभाव से हर व्यक्ति जगता है ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं जो इंद्र गोप मथवेंद्र अघोष कर्मा बंधान रूप फल भाजन अपनोति करति भाजा गोविंद आदि पुरुषम तम हम भजामि तो जो इंद्र गोप मथवेंद्र कर्म इंद्र गोप एक कीड़ा है उससे लेके जो जिस दिन
जन्म होता है उसी दिन मर जाता है। इंद्र इंद्र को मथवेंद्र, और जो स्वर्ग के अधिपति इंद्र है, सबसे कीड़ा से लेके शुरू करके इंद्र व्यक्ति अघोष कर्मा बंधन रूप फल भाजन आपूर्ति, कर्म के बंधन है, कर्म के फल भुगत। तो बड़े से बड़े व्यक्तियों को कर्म का फल भुगतना पड़ता है, और उसी प्रकार बड़े को के चंगुल में काल के द्वारा अलग अलग प्रकार से दुख भुगतना पड़ता है। हम लोग देखते हैं कि बड़े पर रोमन एम्परर, ब्रिटिश एम्परर, अमेरिकन एम्परर, द ग्रेट ग्रेट पर्सन्स, दे नो मोर टुडे। व्हेन द ऑफ हेनरी फोर्ड केम टू श्रील प्रभुपाद, फर्स्ट वन आस्क्ड, वेर इज हेनरी फोर्ड। तो वेर इज योर ग्रेट ग्रैंडफादर हेनरी फोर्ड, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन श्रील प्रभुपाद गेव हिम द मैसेज लिबर्टी। सो टाइम टेक्स अवे एवरीथिंग। कृष्ण स्पीक्स इन भागवत गीता, कालोस्मी मृत्यु सर्वहरश्चाहम, in the form of death, in the form of time, Krishna so the great great personality is in the material world, under time takes away everything. The similar way, even the spiritual personalities are also has to go through under the difficulty. So तो इसलिए समय विश्व पितामह इधर कह रहे हैं कि ये जो कष्ट आप लोगों को भुगतना पड़ा, एक काल के प्रभाव से हुआ है। सतम भवतांश जद प्रियम सपाल जद दसे लोके वायु रवि ध्वनावली, इसके पहले वाले श्लोक में हैं, सर्व कालम कृतम मन्ने, काल के प्रभाव से मेरे मत में, अकॉर्डिंग टू मी, काल के प्रभाव भुगतना पड़ा। इस प्रकार वायु के सारे मेघ राशि इधर उधर हो जाता है, उसी प्रकार काल के प्रभाव से सब कुछ छिन्न भिन्न हो जाता है। तो इसलिए आप लोगों को जो दुख भुगतना पड़ा, ये आप लोगों की कर्म फल के कारण नहीं। युधिष्ठिर महाराज शोक व्यक्त कर रहे थे कि मैं इतने पतित हूं, मैं ये राज्य भोगना चाहता था, और इसी ये विशाल युद्ध का आयोजन हुआ। मेरे भोग के कारण, मेरे कर्म फलों के कारण ये कठिन परिस्थिति हुआ, हम लोगों का पड़ रहा है। तो भीष्म पितामह स्पेसिफाइंग युधिष्ठिर फलों के कारण नहीं हुआ है, काल के प्रभाव से हुआ है। तो काल के प्रभाव से इस प्रकार भुगतना पड़ा, काल के प्रभाव से इस प्रकार युद्ध हुआ, समय के प्रभाव से, काल के प्रभाव से इस प्रकार युद्ध हुआ। आपको कुंती महारानी को इस प्रकार दुख भुगतना पड़ा। तो बड़े से बड़े काल के द्वारा दुख भुगतना पड़ता है। तो जो भौतिक जगत है, आध्यात्मिक जगत और भौतिक फर्क, आध्यात्मिक जगत में
भगवान डायरेक्टली प्रेजेंट हैं, मैटेरियल वर्ल्ड में भगवान काल वर्तमान। तो आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत में क्योंकि सब लोग भगवान को जीवन जीना चाहते हैं, तो भगवान डायरेक्टली उनके लाइफ में नहीं आते जब तक कोई व्यक्ति भगवान के पास पूर्ण नहीं। तो भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में फर्क है कि भौतिक जगत में माया रहते हैं, दैवी ही सब माया के द्वारा नियंत्रित है। तो माया दक्षिण प्रकृति, तो भगवान के अंडर में माया ये प्रकृति को परिचालित करती है, और माया के अंडर में तीन गुण और काल है। तो तीन गुण और काल के प्रभाव से इस भौतिक जगत परिचालित होता है। आध्यात्मिक जगत विश्वमान गुडनेस एंड देयर इज नो इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम, न ही तत्रापि समय। श्रीयोकांता चिंता मणिगण मई तोयम अमृतम कथा गानम नाट्य वंशी प्रिय सखी चिदानंद ज्योति परम अस्यादम न तत्रम संहिता के लास्ट वर्स में ब्रह्मा जी बोल रहे आध्यात्मिक जगत के वर्णन कर रहे हैं, किस प्रकार आध्यात्मिक जगत में भगवान के साथ सारे गोपियों के साथ कांत के रूप में, जो कांता कांतो परम पुरुष, भगवान कांताओं के साथ विराज करते हैं। और उस आध्यात्मिक जगत में चिदानंद ज्योति, ज्योति चिदानंदमय है। सारे जो पल क्या बोलते हैं पानी है आता है, वृक्ष चिंतामणि है। तो झूमा भूमि मणि तोयम अमृतम, तो जो ध्रुमा जो वृक्ष है वो कल्प वृक्ष है, भूमि तो और जो जल है अमृत है, कथा गान के जैसा है, चलना जो है नृत्य के जैसा है। इस प्रकार स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज बियॉन्ड द इफेक्ट ऑफ टाइम, इन्फ्लुएंस देयर इज नो इन्फ्लुएंस ऑफ प्रेजेंट, देयर इज नो इन्फ्लुएंस ऑफ फ्यूचर। सो देयरफॉर पीपल फ्रॉम द एंजाइटी ऑफ फ्यूचर, भविष्य के लिए हमें क्या बोलते हैं अतीत के लिए शोक है, और वर्तमान के लिए मोह है। वट एवर वी हैव नाउ वी आर अटैच्ड टू दैट मोह, और इस पर फीलिंग डिससैटिस्फेक्शन कि मेरे को ये नहीं मिला, मेरे को वो नहीं मिला, मेरे को इतना धन कमाया नहीं, मैंने ये नहीं वो नहीं, तो आर अफेक्टेड बाय द टाइम। बट द स्पिरिचुअल वर्ल्ड पीपल आर लिविंग फॉर कृष्णा Krishna, and therefore there is no influence of time. Krishna is under control of everything. And the devotees are liberated. Devotees are free. Devotees have full freedom from all fantasy. That every moment is a dance. Every step is a dance. Every talk is a song, because they are fully living. Principle, if we practice the same principle in our current life, every moment will become joyful, every difficult time into a most happy situation. And the example we can see in the life of Pandava. So आध्यात्मिक जगत में कोई काल के प्रभाव नहीं है, कि भौतिक जगत जो है तो भीष्म पितामह कह रहे हैं कि ये काल जरूर काल के प्रभावी होगा, नहीं तो आप युधिष्ठिर है और
त्रिकोदर गदाधारी भीम है और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन है और सब विपद। तो इसका अर्थ है कि भीष्म पितामह कहना चाहते कि कदे ही होता है। तो भौतिक जगत में जब तक एक व्यक्ति रहता है तो काल के प्रभाव रहता है, अलग अलग प्रकार आता है, कर्म फलों के कारण आता है, कुछ दुख काल के प्रभाव से आता है, कुछ जब तक भौतिक जगत में रहते, जैसे एक एक नाव जो सब लहरें है उथल पतल करते हैं तो उसका प्रभाव अलग अलग मात्रा में उस नाव के ऊपर रहेगा। उसी प्रकार तो हम में हैं तब तक इस भौतिक जगत के अलग अलग दुख हमारे जीवन। अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक स्तर में स्थिर रहता है वो आध्यात्मिक चेतना को विचलित नहीं कर पाता है। जितना एक व्यक्ति आध्यात्मिक अर्थात उसके बारे में भीष्म पितामह पहले बोल चुके हैं, वो बोल चुके हैं 12 नंबर श्लोक, तमोन्यायम जज्जुहम धर्मनंदना जीवितम नरहतम क्लिष्टम विप्रधर्मचुताश्रय। क्योंकि आप एवं धर्म, धर्म के जो नीति है, धर्म नीति और अच्युत भगवान के आश्रय लेके हैं इसलिए भी जीवित है। तो कोई व्यक्ति इस आध्यात्मिक प्रिंसिपल को पकड़ के रखेगा तो भौतिक जगत के जो प्रिंसिपल है उसको डिस्टर्ब। एक प्रभु जी उदाहरण दे रहे थे कि जो रास्ते का जो ट्रैफिक लॉ है, जो लॉ टैक्सी इसके ऊपर लागू है, लेकिन आसमान में जो एयरप्लेन चलता है उस एयरप्लेन के ऊपर जमीन के है। उसी प्रकार जो आध्यात्मिक स्तर पे स्थित है भौतिक जगत के जो रूल्स रेगुलेशन इज नॉट क्या बोलते उसके ऊपर लागू नहीं है। तो आध्यात्मिक प्रिंसिपलों का आश्रय लिया है तो भौतिक जगत के जो रूल्स रेगुलेशन है काल के प्रभाव उसके ऊपर तो उनके उनके ऊपर लागू नहीं होता है। एक उदाहरण तो मैं दिया अभी, हाँ तो ऐसे बोला जाता है कि सफरिंग मिजरी इज misery is compulsory but suffering is optional. So that miseries of this material world is compulsory. काम काल के प्रभाव से सबके लिए समान है, but suffering will हम लोग दुख भोगेंगे कि are we going to suffer or not, that will be decided how in that situation how we सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। अगर हम लोग भगवान की आश्रय लेते हैं उस समय तब हम लोग काल के प्रभाव से या जगत के प्रभाव से हम लोग प्रभावित नहीं होंगे। हम लोग देखते हैं गुरु महाराज के जीवन में, हम लोग देखते हैं प्रभुपाद जी के जीवन में किस प्रकार अलग अलग चीजों की प्रभाव उनके ऊपर आया है, बट देयर कॉन्शियसनेस इज नॉट अफेक्टेड बाय दैट। उनकी जो चेतना है स्थिर जगत के जो अलग अलग जो दुख है, कष्ट है या शिष्यों की कर्म फल है वो उनकी चेतना को प्रभाव पाया, उनको उनको विमोहित या दुखी या शोकग्रस्त नहीं कर पाए। प्राण तो प्रचार कर रहे हैं क्योंकि वो कृष्ण में स्थिर है। तो कृष्ण सारे आनंद उत्सव है, कृष्ण की आश्रय लिया है, बहुत शोक के अंदर भी वो हमेशा आशा के प्रकाश को देखते रहते हैं। एक लक्षण है
अभ्यर्थ कालतम नाम गाने सदा रुचि और आशा आशाबद्ध हमेशा आशा उत्साह और आशा रहते। इस प्रकार जो भगवान और धर्म के नीति को अपना इस परिस्थिति में दुखद परिस्थिति में धर्म और भगवान के आश्रय में रहेंगे तो इस कठिन परिस्थिति में भी वो दुख ग्रस्त नहीं होंगे, शोक ग्रस्त नहीं होंगे। भीष्म पितामह पांडवों को बता रहे हैं। तो क्योंकि तो ये आपके कर्म फलों के कारण नहीं है, एक काल के प्रभाव से हुआ है, लेकिन क्योंकि आपने भगवान की आश्रय लिया है सुरक्षित है। तो अभी अभी प्रश्न है, अभी प्रश्न है कि भगवान से बड़ा है काल क्या, भगवान से बड़ा है कि भगवान रहते हुए युधिष्ठिर महाराज को द्रौपदी को ऐसा दुख का सामना करना पड़ा, स्वयं भगवान रहते हुए काल का प्रभाव पड़ा उन लोगों के ऊपर, तो काल क्या भगवान से बड़ा है। बोल रहा था विस्तार से संजीव प्रभु प्रश्न पूछा था, उनके प्रश्न के उत्तर में बहुत सारे चीज मैं बोला था, तात्पर्य में लिखते हैं एक्चुअली काल भगवान नहीं, काल तो भगवान के रिप्रेजेंटेशन है इस मैटेरियल वर्ल्ड में। सो भौतिक जगत में भगवान के रिप्रेजेंटेशन है, तो भगवान काल का भी स्रोत है। तो अभी काल के प्रभाव से हुआ इसका अर्थ है युधिष्ठिर महाराज के भीष्म पितामह के आगे क्लियर होगा। तो काल के प्रभाव से होने का अर्थ है श्लोक नंबर 16, नहस्य कर ही चित्राजन उमान वेद विदित्सितम्। युक्त मुहंति कवयो कवयो पीहि अनुवाद मेरे पास एक हित बांग्ला में है, मैं अनुवाद जन परमेश्वर परमेश्वरेर श्री कृष्णेर परिकल्पना क्यों जानते पारे ना, एमन कि विशद अनुसंधित्सा सहकारे नियोजित थेकेओ केवलई विभ्रांत हन। पिछले वाले श्लोक में भीष्म पितामह बोल रहे काल के प्रभाव से हो रहा है, और आगे वाले श्लोक में भीष्म पितामह बोल रहे हे राजन हे राजन उमान वेद विदीप्सितम्, जो जो वेद को जानते हैं जो बड़े बड़े जो वेद को जानते वेदज्ञ व्यक्ति हैं, वो व्यक्ति भी विदित सीता मतलब भगवान की जो परिकल्पना है युक्ता अलग अलग प्रकार के जिज्ञासा करके अनुसंधान करके
अनेक महान महान दार्शनिक कपयो जो महान महान दार्शनिक जो है जो वेदज्ञ है अलग अलग प्रकार की जिज्ञासा कर की जो परिकल्पना है उसको समझ नहीं पाते हैं। तो इसका अर्थ है कि काम से ये सारा चीज हुआ है और एकाल के प्रभाव भगवान की इच्छा से हुआ है। कहा इच्छा से हुआ है, बोला जाता ना जो भगवान की इच्छा से घास पत्ता भी नहीं हिलता है। तो अल्टीमेट रीजन इज द डिजायर ऑफ कृष्णा। तो कृष्ण की इच्छा से काल के प्रभाव, हालांकि भगवान अभी पांडव लोग तो शुद्ध भक्त है, उनको तो कर्म फल नहीं है। दूसरा है तो उनका तो कर्म फल नहीं है, तो अभी अभी प्रश्न है कि फिर वो लोग काल के प्रभाव में भी है क्या? तो भगवान के पास पूर्ण रूप से शरणागत हुए हैं। भगवान के पास जिन्होंने शरणागत नहीं हुआ है भौतिक जगत में, उनका काल का प्रभाव रहेगा प्रचुर। भगवान के पास शरणागत होते हैं पुण्यात्मा, उनको भी दुख भुगतना पड़ता है, लेकिन उनका जो दुख भुगतना पड़ता है वो भगवान की उनके जीवन में भगवान के शुद्ध भगवान की इच्छा से भगवान के शुद्ध भक्तों के जीवन में जो काल के प्रभाव होता है। तो भगवान की इच्छा से होता है और इसीलिए क्योंकि करने के कोई कारण नहीं है। ना हस्त कर ही चिता जन पुमान वेद विदिशितम जद विगिक्षया युक्ता हुई। तो बड़े बड़े जो महान व्यक्ति लोग वो भी मुहिहंती मोहित हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो हम जैसे साधारण व्यक्ति का क्या कहना है? तो भगवान की जो परिकल्पना है, तो इसका अर्थ है भीष्म पितामह बताना चाह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को, ये युद्ध हुआ है भगवान की इच्छा से हुआ है, ये आपके कर्म फल के उग रहे हैं, ये भगवान की इच्छा से हो रहा है, भगवान की इच्छा से हुआ है। तो भगवान चाहते थे कि धर्म को स्थापना करे, भगवान स्थापना करें, भगवान चाहते थे कि कौरव के जैसे आधार्मिक व्यक्ति को हटा के जुराजाज धर्म परायण व्यक्ति को राजा बनाए, और क्योंकि कौरव लोग राज्य देने के लिए तैयार नहीं थे, हर हालत में युद्ध जरूरी था, और इसलिए भगवान की इच्छा से युद्ध हुआ है। तो इसीलिए कल्पना है, कोई समझ नहीं पाता है, और इसलिए आपको शोक करने की कोई कारण नहीं है। भीष्म पितामह इस कुरुक्षेत्र के युद्ध में खिलाफ युद्ध किए, अर्थात धर्म के खिलाफ युद्ध किए, और धर्म के खिलाफ युद्ध करने के कारण जय महारथी जिसको परशुराम परास्त नहीं कर पाया, जो अष्ट वशुओं में एक है, जो सर है, जिसको इच्छा मृत्यु वरदान था, वो भीष्म पितामह को सर सैया में साईत होके रहना पड़ा, उन सामना करना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण की 18 अक्षयणी सेना के साथ पांडव लोग शक्तिशाली होने के बाद भी, तो इसका अर्थ है कि धर्म के खिलाफ जो भी युद्ध करेगा उनको ही। तो अगर हम लोग कठिन परिस्थिति में धर्म का आश्रय लेके रहेंगे तो एक समय कठिन परिस्थिति चला जाएगा, दुखद जाएगा, एक समय पराजय परिस्थिति चला जाएगा, और फिर भगवान की कृपा से फिर से धर्म का विजय। भगवान स्थापना करना चाहते हैं कि धर्म का हमेशा विजय होता है,
अर्थात जिधर भगवान रहते हैं, अर्थात भगवान के आश्रय में जब तक रहेंगे, भगवान के नीति को हम लोग जब पालन करेंगे, तब तक हम लोग हमारे जीवन में अलग कठिन परिस्थिति तो उसमें बने रहेंगे, हम लोग भगवान के भक्ति में बने रहेंगे तो हमारी विजय होगा। तो पोस्ट द श्लोका जॉयस हु इज नॉट पोस्टिंग, ओके आई पोस्टेड ऑलरेडी। तो पितामह इतना श्रेष्ठ धनुर्धर होने के बाद भी, 18 अक्षयणी सेना के साथ युद्ध करने के बाद भी तो कौरव लोग हार गए थे। तो इससे भगवान की इच्छा था कि युधिष्ठिर महाराज को राजा बनाए, धर्म का और भागवत गीता का प्राकट्य हो, भागवत गीता सबके पास पहुंचे, और इसलिए इच्छा से युधिष्ठिर महाराज ये युद्ध हुआ था। भगवान की इच्छा से पांडवों को इस प्रकार दुख का सामना करना पड़ा, क्योंकि अगर पांडव लोग दुख का सामना नहीं करते हैं, एक ऐसी कठिन परिस्थिति नहीं होता तो कुरुक्षेत्र का युद्ध होता ही नहीं। तो भागवत गीता नहीं आता और धर्म का स्थापना नहीं होता। तो अल्टीमेटली सब भगवान की इच्छा से होता है, और शुद्ध भक्त लोग भगवान की इच्छा को उनकी कृपा के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। भगवान की इच्छा को जो अपने जीवन के लिए दुखदायी भी है, वो भगवान की कृपा के रूप में मान के भगवान के ग्रहण कर लेते हैं। तो आप देखिए, जितने भी शुद्ध भक्त आए अलग अलग प्रकार से दुख भोगे, नॉट सफरिंग एक्सटर्नली, इट्स लुक्स दैट दे आर सफरिंग, बट एक्चुअली कृष्णा दे धर्म, धर्मों को स्थापन करने के लिए भगवान उनको अलग अलग परिस्थिति, और वो लोग इतने शरणागत है भगवान के प्रति, मारो भी राखो भी चारा नीतो दासो प्रति दुआओ। तो इस प्रकार मानस देोगे हो जो की छुमो और पीलू तुआ नंदो किशोर। तो भगवान के शुद्ध भक्त लोग मारो भी राखो भी जो इच्छा और जन्म में, सुख में या दुख में, जय में या पराजय में, संतान के शरणागत रहते हैं, भगवान के प्रति समर्पित रहते हैं। मानो सो देहोगे हो जो किछु मोर, जो कि कहता सब कुछ भगवान के चरण में समर्पित रखते हैं, और ऐसे भक्तों को भगवान व्यवहार करते हैं, उनके इच्छा को पूरी टू एस्टैब्लिश ए धर्म। सो तो ये जब भगवान के, तो भगवान के भक्तों के जीवन में भी अलग अलग कठिन परिस्थिति आ सकता है, लेकिन इन गति में भगवान के शरणागत रहेंगे तब हम लोग भगवान हमारे जीवन में ऐसे कठिन परिस्थिति में क्यों डाला है आएगा। अगर हमें, हम शरणागत नहीं होंगे तो हमें दुख आएगा, क्यों भगवान ने मेरे को इस परिस्थिति में डाल, मैंने नहीं किया, मेरे लिए क्यों ऐसा हुआ है। तो तब क्या होता है, एक व्यक्ति क्योंकि भगवान के लिए जी नहीं, उनके संतुष्टि के लिए जी नहीं रहा है, भगवान के प्रति भक्ति को और इंटेंसिव, ही इज ट्राइंग टू बिकम हैप्पी इन द मटेरियल वर्ल्ड, भौतिक जगत में सुख ढूंढने की प्रयास कर रहे हैं, इसलिए जब उनके जीवन में दुख आता
आता है कारण हो और काल के प्रभाव से हो, उनके उनके हृदय में गुस्सा आ जाता है, क्यों भगवान ने मेरे को ऐसा डाला है। दैट मीन्स आई वॉन्ट टू बी हैप्पी सिचुएशन। तो लेकिन जो भक्त लोग आभ्यंतरीण रूप से भक्ति में भक्ति में ही जेन्युइनली आगे बढ़ने की प्रयास कर रहे हैं, ही विल अंडरस्टैंड देयर इज सम रीजन, देयर इज सम रीजन व्हिच इज कनेक्टेड टू मी, आइदर वांट टू प्यूरिफाई मी, कृष्णा वांट टू रिमूव माय अटैचमेंट, कृष्णा वांट टू इंटेंस और कृष्णा वांट टू ब्रिंग मी बैक इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एज अर्ली एज पॉसिबल। किसी भी ना किसी कारण वो समझ जाएगा इसके कारण भगवान कर रहे हैं। कोई भी चीज बाई चांस नहीं हो रहा है। कुछ लोग ऐसे सोच के वॉयडिज्म हो जाता है, इम्पर्सनलिस्ट वॉयडिस्ट हो जाता है, वो सोचते भगवान नहीं, फिर भी मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ। एक आदमी था, क्रिश्चियन था, पोप था, तो उसका वो बहुत खुश था, लेकिन जो बहुत सीरियस डिजीज हो गया और ऐसा सीरियस डिजीज हो गया तो उसको कुछ बोल नहीं पा रहा था, ही वॉज नॉट एबल टू रिमेम्बर एनीथिंग, तो हो गया था। तो देन ही कम टू द कंक्लूजन दैट गॉड एग्जिस्ट बट द थिंग्स आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ गॉड। भगवान सब कुछ में नहीं है, भगवान ने सृष्टि कर दिया है, बट आफ्टर द क्रिएशन इज नॉट अंडर हिज कंट्रोल। सो देयर बाय दैट ही केम टू द कंक्लूजन भगवान है, लेकिन लेकिन सब कुछ भगवान की इच्छा से नहीं होता है। सो व्हाई बैड थिंग हैपेंड टू द गुड क्वेश्चन एंड ही गेव सच टाइप ऑफ आंसर। तो जब कोई व्यक्ति बाहरी भगवान के प्रयास करते हैं, हम लोग देखते श्रीवास ठाकुर के पुत्र भी मर गया था, बट व्हाट वाज श्रीवास ठाकुर कॉन्शियसनेस, would not disturb Lord Chaitanya's Sankirtan movement because he was living for Sri Chaitanya Mahaprabhu. He was living for the mission. So, जब तक हम लोग भगवान के मिशन में नहीं, मिशन के लिए नहीं जिएंगे, ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ हो, that is not a problem to the गृहस्थ भक्त बन के भी आप भगवान के मिशन के लिए जी सकते हैं, भगवान के सेवा के लिए आपका सब कुछ मिशन, आपके वाइफ, आपके मनी, एवरीथिंग कैन बी यूज फॉर द लॉर्ड। इस क्वेश्चन इज हुम यू लव, क्वेश्चन इज हुम दैट ही इज योर मास्टर। तो जितना आप अपने आप को कृष्ण के लिए देंगे, उतना ही आप सब कुछ भगवान की सेवा के लिए यूज कर पाएंगे। तो जब कोई व्यक्ति इस अवस्था में नहीं जीते हैं, तो क्या लक से सुखी होने की इच्छा रहता है, और जीवन में दुख आता है तो कृष्ण के लिए दुख आ रहा है, ऐसा ऐसा प्रतीत। जो महान भक्त लोग जो कृष्ण के लिए जीते हैं, उनके जीवन में अगर दुख आते हैं तो उनको समझ में आता है ये दुख कृष्ण की इच्छा से, कृष्ण कृपा। हमारे गुरु महाराज जी बोल रहे थे कि मैं बहुत कृतज्ञ हूँ भगवान के पास कि मेरे को मौका दिया। वी कैन Now, can you imagine in such condition where people are when a person is fully handicapped, cannot be, who was ruling, who was traveling all over the world, have done so many Herculean service, now he cannot do anything personally. अपने एक व्यक्ति पूरी तरीके से हताश, depressed, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन एक व्यक्ति कैसे बोल रहा है, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू कृष्णा, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू श्रील प्रभुपाद, ही हैज गिवन अपॉर्चुनिटी, और भी और कुछ दिन इस भौतिक जगत में रहने के अपॉर्चुनिटी दिया है, सो दैट आई कैन फुलफिल श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद हैज गिवन मी मेनी इंस्ट्रक्शन, बट आई एम नॉट एबल टू कंप्लीट दोस इंस्ट्रक्शन, आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई हैव बीन गिवन दिस अपॉर्चुनिटी and so fulfill those instruction. So when a person flee for the Lord, then only Krishna's connection in his life, he can see Krishna's hand in his life. So it is very, very important. We can do our sadhana externally,
पालन करते थे, बट वी आर प्लानिंग ऑल द प्लानिंग फॉर माई माई सेल्फ. Srila Prabhupada was living in your temple. Though he was staying in Vrindavan in his retired life, but he was preparing of Mahaprabhu. This is the secret. We should not just remain a devotee of 16 rounders. That is the first level. We should come to the level of 16 rounder, four regulative principles. Then we should leave for the Lord. Leave Srila Prabhupada, we should leave for the mission of ISKCON. We should do some contribution. ISKCON had made us devotee. Some outcome should come from our life to ISKCON. That will be our offering to Srila Prabhupada, his lotus feet. So, then we are living for Krishna. And in such situation, you can experience Krishna's hand, experience Krishna's beautiful smiling face. Krishna will be smiling at you, seeing your sin, your struggle to serve him, seeing your dedication for him, seeing that you are so to live for him. That is spiritual world. That is the standard of the spiritual world. The spiritual world, people are not feeling jagat mein aadmi itna fasted ho gaya abhi itna dukh hai dukh hai abhi ja so jata hu. No, the spiritual world devotees are active always. They're always active, and as more they become active, Krishna performed transcendental pastime. Indra, poor, क्या बोलते हैं, अनलिमिटेड रेन एंड थंडरबोल्ट रैन टू कृष्ण एंड टू शेल्टर ऑफ कृष्ण एंड कृष्ण लिफ्टेड गोवर्धन हिल. सो बिफोर कृष्ण केम इन वृंदावन देयर इज नो प्रॉब्लम, सो मेनी प्रॉब्लम स्टार्ट कमिंग. तो भक्ति ऐसा नहीं है आर्टिफिशियली स्टीरियोटाइप लाइक रोज पेटल्स. नो, in that condition you will not understand krishna's continuity. So but when the difficulties or challenges are there, Krishna parts from the path of devotee. Bhakto ke bhakti ke path se wo hatate nahi hai, to bhakti dete hain us bhakto ki sharanagati ko barhane ke liye, उस भक्तों की भक्ति को इंटेंसिफाई करने के लिए. और की कृपा जब जब इंटेंसिफाई हो जाता है भगवान हटा देते हैं उसको, जब इंटेंसिफाई होता है भगवान हटा देते हैं. तो इस लीला में भीष्म पितामह बोलना चाह रहे हैं कि कृष्ण कल्पना कोई नहीं समझ सकता है. ब्रह्मा को समझ में नहीं आया, ब्रह्म विमोहन लीला हो गया. इंद्र को समझ में नहीं आया, गोवर्धन लीला. शिव जी को समझ में नहीं आया, मोहिनी मूर्ति का लीला हो गया. तो बड़े बड़े व्यक्ति को समझ में नहीं आता है. तो इसीलिए पितामह कह रहे हैं कि हमें कोई भी जुक्ति तर्क नहीं करके, जब तक जब हमारा कोई दोष नहीं होता है, हमारा कर्म फल के कारण नहीं होता है, क्योंकि हम जब सिंसियर है फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तब हमें समझने की कृष्ण की इच्छा है और कृष्ण के हम कर लेना चाहिए. तो जब हमारे जीवन में सुख या हमारे जीवन का दुख दोनों कृष्ण की इच्छा के रूप में, दैट इज कंप्लीट सरेंडर. कंप्लीट सरेंडर इज व्हेन यू एक्सेप्ट Except which you do not like, as a mercy of Krishna, that is complete surrender. So therefore, it is very, very important for us to improve the quality of surrender. हम लोग 16 माला चार नियम में आ गए, अभी हमारे शरणागति के
महाराज करना चाहिए। शरणागति के मात्रा शरणागति के मात्रा को बढ़ाने की प्रयास कर, शरणा तब बढ़ेगा। आप कैसे बढ़ रहा है कि नहीं समझेंगे जब दुख में या प्रतिकूल परिस्थिति में भी आप हैं, डिस्टर्ब नहीं हुआ है, आप उस दुखमय परिस्थिति को सहन कर पा रहे हैं, या आप अब हमें हैं, या जो भौतिक लेवल में जो दुख है, भौतिक लेवल में जो आपका जो कष्ट है उसको आप आपको ज्यादा दुख नहीं हो रहा है। इस प्रकार श्रीवास ठाकुर को कोई दुख नहीं हो रहा था, उनके पुत्र गुजर गए ऑफ दिस मैटेरियल वर्ल्ड। तो चैतन्य महाप्रभु वॉज कॉन्सर्न कि व्हाट हैपेंड टू द सन ऑफ श्रीवास ठाकुर। महाप्रभु The son of Srivas Thakur. And then everybody asks that आप कहाँ के? तो ये आपके माता है, ये आपके पिता है। Then the boy starts speaking. Who is my mother? Which mother? Which are you? तो मैं तो बहुत भाग्यशाली था, मैं भगवत धाम चला गया इतने शुभ अवसर पे जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु नित्य कर रहे थे। इस प्रकार जो बालक था, हमारे जो मोह है, हमारे जो उसको उसको साफ कर दिया, उसको उसमें प्रकाश डाल दिया, और तब सब लोग समझ। तो इस प्रकार जब हम लोग भगवान के लिए जीते हैं, तो हम करते हैं, तब सब कुछ भगवान के कृपा के रूप में हम लोग समझ पाते हैं। और 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 हमें बाहरी रूप से या सामयिक रूप से हमें कुछ दुख भुगतना पड़ सकता है, उसका बहुत ही पवित्र और बहुत ही आध्यात्मिक फल होता है। सामयिक रूप से हमें दुख भुगत जिस पर सामयिक रूप न पड़ा, लेकिन अंत में पांडव लोग ही पांडव लोगों को भगवान उनको राज्य प्रदान किए और पांडव ही बने, पांडव लोग भगवान के विशेष कृपा का पात्र बने और पांडवों के द्वारा धर्म का स्थापना हुआ। तो इसलिए कठिन उत्साह निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्स है। सर्वेभ्यः भक्तिः प्रसिद्धति, भक्ति में तभी प्रगति प्राप्त करेंगे जब उत्साह के साथ भक्ति करेंगे, निश्चयात शास्त्र गुरु महाजनों के बातों में विश्वास, धर्म के नीति के ऊपर विश्वास, भगवान के ऊपर विश्वास, और करेंगे तो अलग अलग कठिन परिस्थिति आएगा, चैलेंजेस आएगा, विचलित। दैट इज द नेचर ऑफ द मैटेरियल वर्ल् ड, मैटेरियल Builders everyone. तो क्योंकि हमारे हृदय में अनर्था है, काम क्रोध लोभ मोह, इसके कारण हम होते हैं। जब हम लोग भक्ति करेंगे, धैर्य रखेंगे, उत्साह निश्चय धैर्य, तो धैर्य के साथ हम लोग उसको बना के रखेंगे। प्रैक्टिसिंग द 9 प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस, इसको करेंगे तो क्या होगा, हम लोग इस जो अनर्थ है उसके परे, मतलब कोई अर्थ नहीं। जैसे एयरप्लेन जाता है, जब फोग रहता है, कुआसा रहता है, कुआरा रहता है, तो तब कल दिखाई नहीं देता है, उसको जाएंगे अज्ञान के लेवल को क्रॉस कर जाएंगे, अनर्थ को क्रॉस कर जाएंगे, तो सूरज ऊपर में क्लियर दिखाई देता है, तब सब कुछ साफ है। तो इसलिए बोला जाता है विद्धते हृदय ग्रंथि छिन्दन्ते सर्व संशय कियस्य चास्य कर्माणि दृष्टायैव आत्मनिश्वरे। तो भागवत सुनते रहेंगे तो तब क्या होगा, इस श्रवण करने के द्वारा, भक्ति का अंग को पालन करने के द्वारा क्या होगा, धीरे धीरे हमारे ग्रंथि आएगा, छिंदन्ति सर्व संशय, सारे संशय कट जाएगा। भक्ति में आने के बाद भी, फिलोसॉफी सुनने के बाद भी संशय रहता है, तो केवल थ्योरी से हमें सब कुछ नहीं समझ में आएगा, प्रैक्टिस करने के बाद द फिलोसॉफी विल बिकम मोर एंड मोर
clear. Some doubt by hearing, but not all the doubts. Other doubts will be clear by practicing. When you practice more, then doubt. And the final doubts will be clear by the mercy of pure devotees. Up to this, and then we have to serve the great soul. Bina mahot pada rajo vishekam nishkinchananam nagpat. We serve the pure devotees. Unless we serve the lotus feet of spiritual master and live for the Lord, then all that not be there. So therefore, this process is not theoretical process. Process is very, very practical. So you have to apply. We have to apply whatever we are reading. So little bit you have to see that, and when you see the result, then your faith increases, and then you apply more. It's not like that. You are now in 110% and you are 2%. That acharyas are not expecting from us. Okay, you have 10% faith. You apply 20%, 10% more. 10% more, then you see that it is fully working, and how your bhakti is increasing, how you are getting so Krishna consciousness. Apply more 10%, and then when you more 10%, then you advance more 10%, and then you apply more 10%. Progress kitna apply kariye, aur is prakar dheere 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 bhakti mein aage badh jayenge aur sthir ho jayenge. Slok number. Tasmat idam daiva tantram na bharatarshava tasano pihito anna tasya anubhi natha natha pahi praja prabho so somebody read the translation so it is there in the post. O best among the descendants of Bharata, Yudhishthira, I maintain, therefore, that with the Lord, accepting the inconvenienceable plan of the Lord, you must follow it. You are now appointed administrator. You should now take care of those subjects who are now rendered helpless. Daiva Tantram. भरतर्षभ युधिष्ठिर महाराज भरतर्षभ निश्चित रूप से तस्मात इदम दैव तंत्रम दैव के अर्थात भगवान के परिकल्प हुआ है वो बेस्ट अमंग द डिसेंडेंट ऑफ भारत युधिष्ठिर मेंटेन therefore that all this is the plan of God. Accepting the inconceivable plan of the Lord, you must now the appointed administrative head and my lord should take care of those subjects who are now rendered helpless. जब भीष्म पितामह हुए देखे तो भीष्म पितामह बहुत ही खुश हो गए हालांकि युधिष्ठिर भीष्म पितामह
पांच या पांडव के खिलाफ युद्ध किए थे, लेकिन भीष्म पितामह हृदय से चाहते थे पांडव लोग। आप लोगों को पता है कि किसी राजनैतिक कारण के लिए भीष्म पितामह को युद्ध करना पड़ा, और उस त्रुटि के लिए उनको सजा भी भुगत। लेकिन हृदय से भीष्म पितामह पांडवों के शुभाकांक्षी थे और वो चाहते थे लोग राजा बने। और अभी जब भीष्म पितामह सर सया में सोए हुए थे और पांडव लोग युधिष्ठिर आए, बहुत ही खुश हुए और वो बोल रहे हैं कि युद्ध के पश्चात प्रजा लोग सब अनाथ अनुभीत अनाथा, वो लोग अनाथ है, असहाय है। कोई एक धार्मिक राजा ने तो इतने दिन पूरे भारत में अधर्म का राज था और सब प्रजा, तो अभी आप विजयी हुए तो आप ऐसे अनाथ राज अनाथ प्रजाओं करिए। तो और ये सब कुछ ही हुआ है दैव दैव भगवत परिकल्पना से। तो एक शिक्षा है कि भीष्म पितामह पद और वो चाह रहे हैं, वो बोल रहे कि आप राजा बनिए। कृष्ण भगवान बोल रहे थे युधिष्ठिर को, युधिष्ठिर मान नहीं रहे थे, अभी बोल रहे हैं जो विपक्ष में युद्ध किए थे। तो भीष्म का व्यक्तिगत अनुभव भी था और भीष्म आध्यात्मिक युद्ध के पहले से ही था, उनको पता था कि युधिष्ठिर महाराज का विजय होगा और युद्ध अक्षर। तो दोनों अनुभूति से भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को बोल रहे हैं और इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज के जो शोक युधिष्ठिर को दूर कर रहे हैं। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह के द्वारा युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं। और दूसरा बोल रहे हैं कि भगवान के परिकल्पना से हुआ है, नहीं तो पांडवों के सही था, दोनों ही महान वंश से हैं। तो भगवान धर्म का स्थापन करना चार तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं। बांग्ला में एक कहावत है, प्रभु झीके मेरे बहू के सिख। जब नया नया विवाह होता है तो बहुत बार भारत के संस्कृति में है, क्या बोलते हैं, झगड़ा होता है और बहुत बार सास को टॉलरेट नहीं कर पाती हैं और बहुत बार बहू लोग मॉडर्न कल्चर में बड़े होने के कारण सास लोगों के बात को मान नहीं पाती। तो तब क्या होता है, सास लोग बहू को शिक्षा देने के लिए मेड है उसको डांट के उसको पिटाई करके जो बहू है उसको सिखाती है। उसी प्रकार भगवान के बद्ध जीव को सिखाने के लिए जो भगवान के शरणागत नहीं है, भगवान को पराया मानते हैं, उनको सिखाने के लिए अपने भक्तों से सिखाते हैं, अपने भक्तों के द्वारा सिखाते हैं। फिर लेक्चर सुन रहे थे जेएसएस मीटिंग में, तो बता रहे थे कि भगवान जब दूसरे को सिखाते हैं
then he is a conditioned soul. Because conditioned soul will not pass the test. So therefore, the one who is pure devotees, who is fully surrendered. So the pure devotees are full. They will be ready to act according to the will of the Lord. They full surrender ka lakshan भगवान की इच्छा से जीते हैं. तो हमारे जीवन में कुछ इधर उधर हो जाते हैं तो हम लोग भगवान को कितना ब्लेम करते हैं, क्योंकि हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा है. तो इच्छा हम लोग भक्ति करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा व्यक्ति तो अलग से सुखी होने का, हमारे इच्छा से जीने का. तो ये जब तक इसको शुद्धिकरण नहीं होगा, तब तक हमारे हृदय का शुद्धिकरण नहीं होगा, भगवान हमें राज नहीं करेंगे. तो उस शुद्धिकरण करने के लिए गुरु इज ए भाया मीडिया. तो गुरु एंगेज अकॉर्डिंग टू द इंक्लिनेशन ऑफ हिज ऑफ दैट अकॉर्डिंग टू द इंक्लिनेशन एंड सेम टाइम he gradually cleanses the conditioning of the विश्व के जो अलग अलग अनर्थ है उसको धोते हैं और उसके अनुसार उसको शुद्ध करते हैं. और इस प्रकार क्या होता है, जो शिष्य होता है उसके हृदय के जो ब्लॉकेज है वो हट जाता है. कृष्ण के प्रति जो शरणागति है, जो बाण है चाप के रखा है, उसको क्लियर कर देते हैं. और फिर शिष्य धीरे धीरे शरणागत हो जाते हैं. तो गुरु वो कहें, इसलिए गुरु की जितना भी हम लोग शासन मानेंगे, गुरु को जितना हम लोग अधिकार देंगे, उतना का प्रगति जल्दी होता है, उतना हमारा हमारा जो ब्लॉकेज है, जो हमारा हृदय में भय है, शरणागत होने का जो भय है वो कट जाता है. तो तो इस प्रकार प्ले वाइटल रोल इन द लाइफ ऑफ ए प्रैक्टिसिंग डिवोटी. बिकॉज कृष्णा डायरेक्ट सोल, सो कृष्णा सेंड इज मैसेंजर गुरु हु इज द एक्सपेंशन जीवेर निस्तार लगे नंद सुत हरि भुवने प्रकाशन गुरु रूप धोरी. तो जिनके प्रत होंगे उतना कृष्ण विल एंटर इन टू अवर लाइफ. इफ वी क्लोज गुरुज इनपुट, डोर ऑफ कृष्ण विल बी क्लोज. तो ये बहुत ही है मोर फोकस इन आवर रिलेशनशिप विद स्पिरिचुअल मास्टर. गुरुज इंस्ट्रक्शन, गुरुज मूड, गुरुज इनपुट इन आवर लाइफ. तो एंड देयरफॉर ए डिसिपल शुड बी ऑलवेज ऑब्जर्विंग द लाइफ ऑफ गुरु, ऑलवेज शुड हियर, ऑलवेज ट्राई टू सी हाउ गुरु इज ट्राइंग टू सर्व कृष्णा, ट्राइंग टू सर्व हिज गुरु. So more observe process of spiritual life become clear. Otherwise we practice Krishna consciousness, but most of the time we are in mental platform. We are in speculation, or we are practicing, but independence or lot of independence are there because purification does not take place. So इसीलिए जब भी आप भजन क्रिया में चले जाते हैं, आदो श्रद्धा तथो साधु संगो भजन क्रिया एंड अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ साइमल्टेनियसली, मोर भजन क्रिया मोर अनर्थ निवृत्ति एंड मोर निष्ठा, लेस भजन क्रिया लेस अनर्थ निवृत्ति. तो नाउ इन द भजन क्रिया प्लेटफॉर्म वन नीड गुरु. आप माधुर कादंबनी पढ़िए,
हैं, क्रिया लेवल में गुरु चाहिए। तो अगर हम लोग गुरु की आश्रय में या गुरु के निर्देश के अनुसार भक्ति नहीं, मेनी इयर्स विल पास, अनर्थ विल नॉट गो अवे। नाउ वी शुड नॉट बी ए डिसाइपल जस्ट एज ए फॉर्मल फॉर्मल डिसाइपल, बट वी आर नॉट टेकिंग गाइडेंस, वी आर नॉट टेकिंग इनपुट, वी आर नॉट अंडरस्टूड, then the progress will not take place. So we should not be a formal disciple, I am also disciple of this guru, so then progress will not take place. You will not experience that transcendental happiness of Krishna consciousness, how Krishna, this process is working, progress is taking place. So गुरु हैज ए वाइटल रोल। हालांकि इस्कॉन में गुरु लोग ट्रेवल करते हैं, डायरेक्टली मिलता, बट प्रभुपाद अब ऑल्सो हैव एसोसिएशन ऑफ हिज गुरु फॉर 3-4 टाइम, बट ही अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शन ऑफ गुरु, वाणी सेवा, ही अंडरस्टूड द मूड ऑफ गुरु, ही अंडरस्टूड द मिशन ऑफ गुरु। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंड गुरु, इंस्ट्रक्शन ऑफ गुरु, understanding the guru parampara, understanding the priorities, what guru wants from a disciple. Agar uska hum palan karenge, guru does not need to come always and guide us like a father cares a baby. Should not disciple. We should be mature son and get guidance from spiritual master. So then our progress will become very very faster, and will become in Krishna. Will not become disturbed, or anartha will be reduced. Four regulative principle will not become a challenge, and Saturn and Lashta also will not disturb us. It may be there in some degree, but it will not disturb us. You will not for Laab Puja Pratishtha. You will not hanker for Laab Puja. हाँ, Laab Puja Pratishtha थोड़ा तो प्रचार करेंगे, भक्ति करेंगे तो आएगा ही Laab Puja Pratishtha. तो लेकिन भक्ति जब प्रतिष्ठित जाते, और इसलिए उनका भक्ति भक्ति ऊपर नीचे नहीं जाता है। लाभ पूजा प्रतिष्ठा पान की सेवा में, गुरु के सेवा में लगा देते हैं, गुरु के प्रसन्नता में लगा देते हैं। इस प्रकार भगवान के भक्तों की भक्त हैं। तो इस प्रकार भक्तधीर दामोदर महाराज कह रहे थे हैं कि द सुप्रीम लॉर्ड चूजेस, भगवान ने his own devotee, his pure devotee, who have given his life to Krishna, who have allowed Krishna choose him as he want. Nachao nachao prabhu nachao shemate kasther putli jano nachao shemate. Srila Prabhupada prarthana kar rahe the, Srila Prabhupada ke liye gaye the, kitne prakar ke takleefe aaye the 70 saal ki umar mein, lekin wo bhagwan ke सेवा के हिसाब से, गुरु के हिसाब से ग्रहण किए थे। तो और लेकिन उनके दृढ़ विश्वास था कि गुरु का आज्ञा ये है और इसको पालन करूंगी, सफल है। आई एम डूइंग माई पार्ट, रेस्ट ऑफ द थिंग इज कृष्णस हैंड। देयरफॉर प्रभुपाद वाज़ सेइंग दैट इवन इफ वन पर्सन बिकम डिवोटी, स्टिल आई माई मिशन इज सक्सेसफुल बिकॉज आई एम ट्राइंग टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ माई स्पिरिचुअल मास्टर। So, अगर हम लोग उसको पालन करने के लिए प्रयास करेंगे तो हमारा शरणागति सरेंडर है, हमारे लेवल में ही सरेंडर है। हम लोग, हमारे लिए समझना मुश्किल है कि कृष्ण के लिए हमारा क्या सेवा है, गुरु के लिए सेवा है, हमारे लिए सेवा है प्रभुपाद के लिए सेवा। वी शुड नॉट बी इन ड्रीम
जो मेंटल कॉन्कॉक्शन. सो फॉर अस our surrender will be checked how much we are dedicated for the mission of serve guru, how much we are properly engaged. After doing our sadhana, we are properly engaged, whatever services is available for us, whatever services we are getting, so we should try to serve the mission of spiritual master. So that is the symptom of sign of that is the test checkpoint of our surrender. So to the degree, so Krishna chooses his pure devotee to establish dharma, because a pure devotee will pass the test. So conditioned soul will not pass the test. Therefore, Lord chooses conditioned soul. So here Pandavas are suffering externally. So pure devotee has to go through sometimes suffering, but that is suffer, वो जो दुख है, that is not under the influence of Maya, not is under the influence of काल. अलग काल कृष्ण है, that is कृष्ण की इच्छा योग माया शक्ति के द्वारा. और इसीलिए वो जो भक्त है कृष्ण की कृपा को समझ पाते हैं, कृष्ण की कृपा को, और इसीलिए वो कभी दुखी नहीं होते हैं, कृष्ण की सेवा में सेवा उत्साह के साथ करते रहते हैं. श्लोक पॉडन वर्स एसो बोई भगवान साक्षात आद्यनारायणो पुमान एसो वै भगवान साक्षात आरमान मोहयान मायया लोकं मोहयान मायया लोकं प्रश्निषु गुरुः चरति विष्णुषु ट्रांसलेशन कोई पढ़िए जिसने नहीं पढ़ा. This Sri Krishna is no other than the inconceivable original personality of Godhead. He is the first, the supreme enjoyer, but he is moving amongst the descendants of the King Vrishni, just like one of us, and he is bewildered with his self-created energy. Is bewildering us by his self-created energy. Mohayan Maya Lok. Gurus Charati Vrishnishu. So last part of the translation, last part of the last part of the purport, last part of the purport, Tanpu can post. Pariye. But being amongst that of King Vrishni, just like one of us, and he is bewildering us with his self-created energy. That is the last para. The bewilderment. Yes, Prabhuji, aa gaya. Sain Prabhu post kiya. The bewilderment regarding Sri Krishna. Is who hold internal and external energies upon the third one called marginal energy. The living entities are marginal energy, and thus they are sometimes bewildered by the internal energy and sometimes by the external energy.
By energetic bewilderment, Sri Krishna expands himself into unlimited numbers of Narayanas and exchanges or a transcendental loving service from the living entities in the transcendental. इसके बाद क्या लिखा है? वापस से पोस्ट किया है. The living entities are expansions of his marginal energy by his eternal energy and sometimes by external energy, but the internal energetic bewilderment Sri Krishna himself into unlimited number of Narayan and exchanges or accept transcendental loving service from the living entities in the transcendental world. And by his external energetic expansion itself in the material world amongst the men. So भगवान श्री कृष्ण तो इधर भीष्म पितामह आगे पहले काल बोले भगवान की इच्छा से हो रहा है इसलिए आपको शोक करने की कोई कारण नहीं है. और अभी इस श्लोक बोल दिया ऐसो बोई भगवान. अभी भगवान उधर खड़े थे जब भगवान भीष्म पितामह बोल रहे हैं. भीष्म पितामह सेमिनार दे रहे हैं पांडवों को और कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं सब. जब ये सब बोले फिर बोले अरे एक्चुअल सब कुछ इनके लिए हो रहा है. और ये कौन है? ये सो वही भगवान साक्षात्मान और ये आद्य नारायण कुमार आदि नारायण है. हाँ परम भोक्ता है. तो ऐसो वही भगवान साक्षात आदि है सब कुछ के भोक्ता है. तो ये जो वृष्णि वंश में लिए हैं वृष्णि वंश वृष्णि कुल में जो जन्म प्रकट हुए हैं जो एक साधारण व्यक्ति के जैसा विचरण कर रहे हैं ये और कोई नारायण है. और इसीलिए इसीलिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. आप उनकी आज्ञा का पालन करो. तो ये भीम का कंक्लूजन है कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. आप कृष्ण की आज्ञा का पालन करो. तो आगे वाले श्लोकों में किस प्रकार जो भगवान श्री कृष्ण भगवान जो श्री कृष्ण जो आपके सारथी के रूप में हैं के माँ के माँ के भाई के पुत्र के रूप में है जो विष्णु सदस्य के रूप में है आपके क्या बोलते हैं गाइड के रूप में है आपके शुभाकांक्षी के रूप आपके सखा के रूप में है ये और कोई नहीं है स्वयं भगवान है. मोहों के वश में बस आप सखा मित्र जमन्ने मातुलये प्रियं मित्रं सुहृदोत्तमं अकरो सजीवं सचिवं सारथिं. तो मोहों के वश हे राजन मोहों के वश जिनको आप मातुल के पुत्र आपके सखा शुभाकांक्षी मंत्रणा दाता या सचिव दूत हितकारी के रहे थे और कोई नहीं है स्वयं भगवान है. तो
भीष्म पितामह बता रहे हैं कि किस प्रकार कृष्ण स्वयं भगवान है, केवल भगवान नहीं आदि ही अवतार है, भगवान के अनंत अवतार है। जिस अवतार अवतार के द्वारा भगवान अपने आप को विस्तार करते हैं, जो लोगों द्वारा विषय भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए। तो जीवात्मा आइदर दे आर विल बी अंडर द एंटिटी और इंटरनल एनर्जी। तो एक्सटर्नल एनर्जी के इंटरनल एनर्जी द्वारा मतलब क्या बोलते हैं, अंतरंग शक्ति के द्वारा हमें जीव जो जीव के साथ प्रेममयी सेवा का, उनके भक्तों के साथ प्रेममयी सेवा का आध्यात्मिक जगत में भगवान सेवा ग्रहण करने के लिए। और तो और तार बहिरंग शक्ति विस्तारे माध्यमे तिनि विभिन्न जनि सम्भूत जीवदेर हारिए जावा सम्पर्केर पुनः प्रतिष्ठा करार जन्य मान मध्ये अवतरण करें। तो बहिरंग शक्ति के द्वारा इस भौतिक जगत में जो अलग अलग बद्ध जीव इस भौतिक जगत में, तो उनको उद्धार करने के लिए जो उनको उद्धार करने के लिए भगवान भौतिक जगत प्रकट होते आविर्भूत होते हैं। तो भीष्म के जैसे महान भगवान की इस मोह के द्वारा मोह से मुक्ति प्राप्त करते हैं। माया लोकन पुरुष चलती वृष्णिषु, पुरुष चलती वृष्णिषु। तो श्री कृष्ण इज नो अदर देन द इनकॉन्सिवेबल ओरिजिनल पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। ही इज द फास्ट नारायण द सुपर। ही इज मूविंग अमंग द डिसेंडेंट ऑफ किंग विष्णु जस्ट लाइक वन ऑफ अस एंड ही इज सेल्फ क्रिएटेड एनर्जी। तो इस प्रकार भीष्मदेव कहना चाह रहे हैं कि जो कोई चीज काल के प्रभाव से हुआ है और ये काल का प्रभाव कृष्ण हुआ है और कृष्ण की परिकल्पना कोई समझ नहीं पाता है। बड़े बड़े मुनि ऋषि व्यक्ति इवन ब्रह्मा शिव जी भी समझ नहीं पाते हैं और जो भी चीज हो रहा है, जो भी चीज हुआ है, सभी भगवान के परिकल्पना के ही अंतर्गत है और को आप स्वीकार करिए। भगवान के जो संकल्प है, जो परिकल्पना है, उसको स्वीकार करिए। कृष्ण ये और कोई नहीं है, यशोबोई भगवान साक्षात आद्यो नारायण कुमान, ये साक्षात है, आदि नारायण है, नारायण के स्रोत है। तो एते चांशो कला पुंशो कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो कृष्ण आदि पुरुष है, तो उस कृष्ण की इच्छा से सब कुछ है। तो इधर भीष्म पितामह जैसे महाजन से
हम लोग समझ कि कृष्ण किस प्रकार कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कृष्ण आद्य नारायण पुमान आदि नारायण है। इधर भी से महान कार्य कर रहे हैं, हालांकि वो पांडवों के खिलाफ युद्ध किए हैं। तो इस प्रकार भीष्म पितामह एक महाजन है और ये बता रहे कि किस प्रकार कृष्ण आदि नारायण है, लेकिन अपनी योग माया शक्ति के द्वारा मोहयान विष्णुशु इस विष्णुकुल में विचरण कर रहे हैं। विष्णुकुल में विचरण कर रहे हैं, इस पृथ्वी लोक में विश्व चराचर में विचरण कर रहे हैं। जो महिमा है इसको समझना बहुत ही कठिन है। गुरु मतलब बहुत ही क्या बोलते सीक्रेट है, बहुत ही मुश्किल है। तो अपने माया शक्ति के द्वारा वो सबको प्रकट होकर सबको मोहित कर रहे हैं। तो जब भगवान श्री कृष्ण तो द्वारकावासी सब लोग शोक व्यक्त कर रहे थे, और वो लोग कह रहे थे कि स्वयं भगवान हमारे कुल में, लेकिन हम लोग उनको समझ नहीं पाए। तो द्वारकावासी लोग जब कृष्णा बहुत से थे वृष्णिकुल में वृष्णियों के साथ थे, जादवों के साथ थे, क्योंकि जादव लोग और बहुत सारे देवता जादव कुल में भी जन्म लिए थे। तो भगवान जादव कुल में जन्म लिए थे, लेकिन जादव लोग बोल रहे हैं कि जब भगवान चले गए तो बोल रहे हैं कि भगवान थे, हम लोग उनको समझ नहीं पाए। भगवान आए थे लेकिन हम लोग उनका एसोसिएशन का बेनिफिट नहीं ले पाए। इस प्रकार द्वारका वासी लोग शोक व्यक्त कर रहे थे। तो भगवान की माया इतना शक्तिशाली है कि जब इस भौतिक जगत में लीला करते हैं तो एक साधारण मनुष्य के रूप में लीला करते, विशेष करके कृष्ण की जो लीला है माधुर लीला भगवंतम है। तो भगवान को भगवान के योग माया शक्ति के द्वारा भगवान को समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हालांकि जो कुछ हद तक समझे हैं और भगवान के भक्त लोग हैं वो भी दुख व्यक्त कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं जब समुद्र के समा का उत्पत्ति हुआ था, चंद्रमा निकली थी समुद्र से, तो जब मछली थी समुद्र में वो लोग सोच रहे थे जैसे हमारे जैसे एक मछली है। तो इसीलिए चंद्रमा को एक समस्त देख रहे थे। तो इसी प्रकार द्वारकावासी लोग दुख व्यक्त, हम लोग सोच रहे कि एक वृष्णिकुल में जादव कुल में जन्म लिए हैं, हमारे जैसे एक जादव है। हाँ राजा है, लेकिन जितना इंटेंसली कृष्ण की बेनिफिट लेना चाहिए था वो नहीं लिए थे, और इसलिए रहे हैं। तो इसीलिए आगे वाले श्लोक में भीष्मदेव बताएंगे कि ये सब कुछ कृष्ण की इच्छा से हो, और ये आद्य नारायण कुमान आदि नारायण है, स्वयं भगवान है, और मोहयान माया लोकन पुरस्चलति विष्णुषु, लेकिन अपने योग माया शक्ति के द्वारा इस पृथ्वी इस कुल में रहे हम सबको मोहित कर रहे हैं। तो इसलिए आप मोहित मत होइए, ये सब कुछ कृष्ण की इच्छा से हुआ है। कृष्ण भगवान को आप अपने अपने सखा के रूप में, अपने दूध के रूप में, अपने जादव वंश के सदस्य के रूप में, अपने सेक्रेटरी के रूप में, अपने सारथी के रूप में सोच रहे हैं, वो कोई नहीं है, स्वयं भगवान है। इस प्रकार भीष्म पितामह अपना जो फाइनल सेमिनार दे रहे थे उसमें
कृष्ण के महिमा को प्रकाश कर रहे हैं, किस प्रकार कृष्ण की इच्छा से सब कुछ होता है। हाँ, जो भी हमारे जीवन में सुख और दुख से होता है और हमें हमें उसको उनके इच्छा के रूप में, कृष्ण के इच्छा के रूप में उसको आज के कृष्ण की इच्छा के रूप में हमें हमें उसको स्वीकार करना चाहिए और कृष्ण के प्रति कृष्ण के चरणों में शरणागत होना और हर शास्त्र धर्म के नीति के अनुसार हमें जीना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। ये बहुत ही सुंदर तात्पर्य है, बहुत ही सुंदर श्लोक है भीष्म पितामह का रियलाइजेशन। और आगे वाला श्लोक और सुंदर होगा, भीष्म पितामह फिर अपने फिर भीष्म पितामह पर्सनल ऑफरिंग करते हैं भगवान श्री कृष्ण को, जो हम लोग अगले अगले शनिवार को क्लास में। तो इस प्रकार अपना सुंदर तात्पर्य देते हैं। कोई प्रश्न? भीष्म पितामह की तो हम लोग हर साल मनाते, भीष्म पंचक मनाते हैं कार्तिक महीने के लास्ट 5 दिन। तो ये भीष्म पितामह का जो श्लोक सुन के हमें भीष्म महा हमें उसको समझना चाहिए। तब भीष्म पंचक जब हम लोग मनाएंगे बहुत ही श्रद्धा से, बहुत हृदय से भीष्म पितामह के प्रति और भगवान कृष्ण की आश्रय ले पाएंगे। आगे वाले श्लोक बहुत ही सुंदर है, किस प्रकार कृष्ण के प्रति अपना श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं वो आप समझ पाएंगे। फाइव मोर मिनट्स, मैं पानी लेके आता हूं। Please, who have question? How 10% advanced devotee can give 20% as you said in the lecture? तो मैं गुरुमाज के लेक्चर में सुन रहा था, गुरुमाज बोल रहे थे कि स्पिरिचुअल प्रोग्राम जो बहुत एडवांस डिवोटी हैं, जो बहुत सरेंडर डिवोटी हैं, जो उनको वैदिक भक्ति को फॉलो करना नहीं पड़ता है। तो स्वदेश पालन करने के द्वारा सदगुरु के निर्देश सदगुरु के निर्देश पालन करने के द्वारा बहुत फास्ट प्रोग्रेस कर जाते हैं। लेकिन जो कि सरेंडर नहीं है तो उनको वैदिक भक्ति के जो अलग अलग या वर्णाश्रम धर्म जो है या उसको फॉलो करना पड़ता है। तो जो शुद्ध भक्ति के को हैं, शुद्ध भक्ति के जो प्रिंसिपल हैं, अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम कृष्ण भक्तिरुत्तमा सर्वपाधि विनिर्मुक्तम तत्परेत्न निर्मलम ऋषिकेश ऋषिकेन सेवनं भक्तिरुच्यते यस्य प्रसादा
सारे सारा प्रिंसिपल जो पालन करते हैं उनका भक्ति का प्रोग्रेस बहुत फास्ट होता है। तो आपको नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के पहले वाले श्लोक में इसको मिलेगा आपको प्रोपद को। बहुत अलग अलग प्रकार से इंद्रिय संयम नहीं करना पड़ता है। तो सद्गुरु के निर्देश पालन करने के दो सेवा दारम आहुर विमुक्ते, तो भगवान के महान भक्तों की सेवा करने के द्वारा, जैसे नारद मुनि का हुआ था भक्ति, तो बहुत फास्ट प्रोग्रेस कर जाते हैं। तो उनको बहुत सारे विधि विधानों को पालन करना नहीं पड़ता है क्योंकि शुद्ध भक्त जो है अथॉरिटी है, भगवान प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से कृपा सिद्ध बन जाते हैं। तो अभी जो लोग उस लेवल में नहीं है, जो लोग उस लेवल में नहीं है, तो गुरुमाज बोल रहे थे पर्सन है तो 10% प्रैक्टिस करिए। 10% जैसे आपको लग, मतलब हम लोगों को लगता है कि नहीं इतना, मतलब सरेंडर, तो भगवान भी मांग नहीं रहे कि आप इमीडिएटली फुल सरेंडर करो। यू फॉलो 10% फॉलो करेंगे तो आप यू विल सी 10% यू हैव एडवांस्ड। आपका 10% हो जाए, आपको दिखाई देगा कि किस प्रकार आप उसको पालन करके आपका अल्टीमेटली सम टाइम लाइक गुरु आस्क्ड अस टू डू समथिंग, मतलब डिवोटीज आर आस्किंग अस टू डू समथिंग बट वी आर नॉट टू। तो नाउ इफ वी डोंट फॉलो देन व्हाट विल बी द प्रोग्रेस वी कैन फॉलो, देन व्हाट विल बी आवर प्रोग्रेस दैट इज आल्सो वी कैन सी। समझ में आ रहा है? अगर हम लोग फॉलो नहीं करेंगे तो हमें क्या नहीं होगा देगा, और अगर फॉलो करेंगे तो प्रोग्रेस होगा कि नहीं होगा वो भी दिखाई देगा। तो करेंगे तो वी कैन सी, जितना फॉलो किया उतना आपका एडवांसमेंट हो गया और फिर आपका आपका उत्साह आपका विश्वास और बढ़े। तो 10% फॉलो करिए, ठीक है? 10% फॉलो करने के द्वारा आपका 10% फेथ इंक्रीज हुआ है एंड विद दैट 10% फेथ तो 10%, और जब 10% फॉलो करेंगे और 10% आपको दिखाई देगा। तो भक्तों को जब देखेंगे वो कि उन्होंने फॉलो किया एंड प्रोसेस इज वर्किंग, देन ही विल बी हैविंग फेथ ऑन द फुल प्रोसेस, और फिर धीरे 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 उनका फुल सरेंडर आ जाएगा, उनका भय कट जाएगा। तो हम बहुत उदाहरण है श्रील प्रभुपाद की जीवन में, उदाहरण है श्रील प्रभुपाद पहले जाना नहीं चाह रहे थे विदेश में, इंडिया में प्रचार करेंगे, और फिर श्रील प्रभुपाद सोचे थे नहीं मैं बहुत धन कमा के भगवान की सेवा में बड़ा, और भगवान ने सारा उनका बिजनेस पर चुरा लिया। तो श्रील प्रभुपाद स्पिरिचुअल मास्टर इंस्ट्रक्टेड टू गो टू अमेरिका बट ही वाज नॉट रेडी टू गो, फुल्ली रेडी नहीं थे। तो एंड श्रील प्रभुपाद वेंट टू अमेरिका एंड श्रील प्रभुपाद ट्राइड इंस्ट्रक्शन एंड वी सी दैट हाउ सो मच रिजल्ट केम व्हेन श्रील प्रभुपाद केम टू मायापुर। देयर ओनली द लैंड, एम्प्टी लैंड वेर देयर एंड द तो श्रील प्रभुपाद इंस्ट्रक्टेड सम ऑफ हिज डिसिपल टू दैट आई वांट टू एस्टैब्लिश इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण, वांट टू एस्टैब्लिश हेडक्वार्टर हियर। एवरीबॉडी आंसर व्हाई इज प्रभुपाद यू वांट टू एस्टैब्लिश हियर इन द विलेज रिमोट प्लेस, नोबडी इज गोइंग टू कैश इन कलकत्ता, सो पीपल विल कम टू नो। श्रील प्रभुपाद दिस इज द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु एंड वी वांट टू इनवाइट
in this holy land. So then they purchase the land, and few disciples were. Srila Prabhupada wanted more disciple comes here and assist this project. But flight, and the next flight they were returning back. So then Guru Maharaj went to Srila Prabhupada, and he said that Prabhupada, you gave this, you instructed me, means asked this project to develop, but nobody was serious. Prabhupada became very angry because Prabhupada was expecting that he will take it seriously. But he is not putting his full effort. What is the problem? Others are not taking it seriously. And Prabhupada said that, so I take it seriously. So what? Others are not taking seriously. Take seriously means you should take seriously. So then Guru Maharaj could not say anything. So then this instruction of my spiritual master for me. This is my Guru's service to me. Guru instructed me to do this. And his love for that. So in the beginning he was also hesitating. But when he gave his effort in that, you see that all success came by this. So the point is that it is a gradual process, but if we stick to serving Guru, follow abhi nahi kar pate lekin baad mein karna chahiye. So abhi hum log pura nahi kar sakte, thoda thoda karke kar, thoda karenge to thoda vishwas aa jayega. Jitne aapke hriday ke shuddhikaran ho raha hai, kaise aapka bhakti ka pragati ho raha hai, aur usse aapko vishwas aayega. Guru ki aagya ke upar aapke prati aapke vishwas aayega. और फिर देखेंगे आपका भक्ति का प्रोग्रेस हो रहा है और उससे आपका शरणागति आएगी. तो गुरु के प्रति शरणागति डज नॉट कम शरणागति डज नॉट कम जस्ट बाय थियोरिटिकल वे. अनलेस वी सर्व गुरु डेडिकेशन विल नॉट मीन फेथ विल नॉट परिप्रश्न सेवा. तो उधर एक चीज है, एक मिनट मैं निकालता हूँ. प्रभुपाद जी लिखते हैं चैतन्य चरित. उधर प्रभुपाद जी लिखते हैं, आप तद्विधि प्रणिपात प्रश्न उसका तात्पर्य पढ़िएगा. उधर प्रभुपाद जी लिखते हैं, केवल कोई अगर प्रश्न पूछते हैं या गुरु से सुनते हैं लेकिन गुरु की सेवा नहीं करते हैं तो मैं को रियलाइज. तो रियलाइजेशन विल रियलाइजेशन विल कम विल सार द मिशन ऑफ गुरु.
unless there is submission and service, inquiry from the learned spiritual master will not be effective. So unless and inquiries from the learned spiritual master will not be effective. One must be able to pass the test of the spiritual master, and when he desire of the disciple, he automatically blesses the disciple with a genuine spiritual understanding. Genuine spiritual understanding comes by the blessings of the spiritual master. The blessings comes when disciple desire to serve. So this is the process. I have answered by my book also. So we are going to start a new batch for the new boys. So it is not. So